अब इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू पाइथन लाइब्रेरीज ऑब्वियसली पाइथन की काफ़ी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिसमें लोगों के लिखे हुए फंक्शंस मौजूद हैं जिसकी बेस पे हम मशीन लर्निंग के टास्क करने वाले हैं और ये लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं पहले मैं आपको वो लाइब्रेरीज दिखाता हूँ फिर हम साइकेट लर्न या जो भी लाइब्रेरी जिससे हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम आज की असाइनमेंट की तरफ चलेंगे स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूँ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहली लाइब्रेरी है एस लर्न अगर आप गूगल में जाएं साइकेट लर्न लिखें या एस के लर्न लिखें तो आपके पास ये लाइब्रेरी ओपन होती है ये लाइब्रेरी जो है इसके ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी सेकेंड लाइब्रेरी इज कॉल्ड टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो गूगल के अंडर ये लाइब्रेरी आती है और ये लाइब्रेरी और केरास तीसरी लाइब्रेरी ये दोनों लाइब्रेरी जो हैं टेंसर फ्लो एंड केरास टेंसर फ्लो के अंदर ही मौजूद हैं अगर आप टेंसर फ्लो पर क्लिक करें तो आपके पास टेंसर फ्लोर की लाइब्रेरी पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी केरास पे करेंगे तो डीप लर्निंग की ये लाइब्रेरी है जिससे मशीन लर्निंग के एडवांस टाइप को डीप लर्निंग बोला जाता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी देन आता है जी पाईटॉर्च पाईटॉर्च जो है ये भी न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है ये नम पाई की तरह ही लाइब्रेरी है जो टेंसर पे काम करती है बट ऑन एडवांस लेवल तो आप पाइटॉर्च पे क्लिक करेंगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ओपन हो जाएगी देन कम्स द नेक्स्ट लाइब्रेरी जिसका नाम है एन एल टी के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट नेचुरल लैंग्वेज से मुराद ये है कि जब आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी आप एन के लिखेंगे तो ये लाइब्रेरी इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी अगर आप कंप्यूटर विजन का टास्क करना चाहते हैं तो एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है ओपन कंप्यूटर विजन यानी कि ओपन सी अगर आप इस लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास ओपन हो जाएगी तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसमें साइकेडर्न टेंसफ्लो केरा स्पाइटॉर्स एन एल टी एंड ओपन सी हम इनशाला इन लाइब्रेरीज को इस कोर्स के अंदर मास्टर करने वाले हैं सॉरी फॉर दैट अब हमारे पास जो साइकिट लर्न है इस लाइब्रेरी के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास इस लाइब्रेरी के रिलेटेड यूजर गाइड भी है ए पी आई भी है एग्जाम्पल्स भी हैं अंदर आर मैनी अदर थिंग्स इसका जो एक मजे वाला काम है ना वो ये है कि क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम सारे सेपरेट दिए हैं रिग्रेशन के सेपरेट क्लस्टरिंग के सेपरेट और यही नहीं डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी एक टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर एंड देन मॉडल सिलेक्शन भी एक टॉपिक है एंड देन प्री प्रोसेसिंग ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं सो इट्स इट्स वेरी नाइस अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लासिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्लासिफिकेशन के जितने भी टाइप्स हैं जितने भी एल्गोरिथम हैं सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे ठीक है ये जितने भी एल्गोरिथम आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा एल्गोरिथम अगर हम एक एल्गोरिथम पर एक दिन भी लगाएं तो कम अज़ कम हमें अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा विच इज़ काइंड ऑफ नियरली इम्पॉसिबल तो हम इसमें से गिने चुने जो इंपॉर्टेंट मशहूर ज़माना एलगोरेथम है वो हम समझेंगे और आपको टेक्निक सिखाएंगे कैसे ये एलगोथम काम करते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली लर्न बाय योरसेल्फ सेल्फ किस तरीके से सारे के सारे एलगोरित हम आगे लेके चलेंगे सर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीनियर मॉडल्स के अंदर ऑर्डनरी लीस्ट स्क्वेयर्स है ये क्या करता है किस वजह से करता है उसकी डेफिनेशन और ये सारी की सारी गाइड यहाँ पर मौजूद है इवन दो इन्होंने कोड्स भी दिए हुए हैं सो दिस इज़ वन ऑफ़ द लाइब्रेरीज जिसको हम यूज़ करेंगे और खास तौर पे हम प्री प्रोसेसिंग से स्टार्ट करेंगे यानी कि हमने जितना भी काम करना है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग से स्टार्ट करना होता है तो हम डेटा की पहले प्री प्रोसेसिंग करेंगे से फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं प्री प्रोसेसिंग के अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है मीन रिमूवल और मे वेरियंस स्केलिंग है हम इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे फिर उसके बाद नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसको देखेंगे नॉर्मलाइजेशन देखेंगे इनकोडिंग देखेंगे किस तरीके से हम साइकिल लाइन को यूज़ करके कर सकते हैं फिर डिस्क्रेटाइजेशन बोलेंगे जो हम करेंगे इनशाला इसके अंदर फिर इंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज फिर जनरेटिंग पोलिनोमियल फीचर्स क्या होते हैं एंड देन कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स कैसे बनते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू तो डेटा प्री प्रोसेसिंग से हमारा स्टार्ट होने वाला है जो इंशाल्लाह हम साइकिल लर्न से करेंगे क्योंकि डेटा अच्छा होगा तो हमारे एल्गोरिथम अच्छे परफॉर्म करेंगे डेटा खराब तो मॉडल मॉडल खराब एल्गोरिथम खराब आपकी मशीन लर्निंग सारी की सारी जाएगी साइड पे जिसको हम खुडे लाइन लगना बोलते हैं सो साइकड लर्न के अंदर प्री प्रोसेसिंग से हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं अब आप देखें कि यही चीज प्री प्रोसेसिंग की जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे नोट्स यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल हैं सो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दीज थिंग्स और यहाँ पर जाके आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अब प्री प्रोसेसिंग के फ़ौर बाद अगला जो स्टेप होगा दैट विल बी फीचर एक्स्ट्रैक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीचर एक्स्ट्रैक्शन की बात करें कि फीचर किस तरीके से हमने लेके आने हैं दिस इज़ अनदर थिंग और ये लोडिंग फ्राम डिक्शनरीज टू ऑनवर्ड हम फीचर एक्स्ट्रैक्शन के ऊपर भी काम करेंगे यानी कि फीचर्स क्या होते हैं कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं और हमने किस तरीके से फीचर्स को सेलेक्ट करना है देन देर आर मैनी अदर थिंग्स जो हम आहिस्ता 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 आता प्री प्रोसेसिंग के साथ साथ करते जाएंगे ठीक हो गया जी यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और ये सारी चीजें कहां पे अवेलेबल हैं अगर आप यूजर गाइड पे क्लिक करें तो ये यूजर गाइड में हर एक चीज अवेलेबल है यहां पे सर्च में आप कुछ भी लिखें फॉर एग्जाम्पल मैं फीचर लिखता हूं तो यहां पे मैं एंटर करता हूं फीचर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हो जाएंगी ठीक है कौन कौन सी टर्म्स हैं फीचर्स कौन कौन से होते हैं इनसेम्बलिंग क्या होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या है फीचर सिलेक्शन एक पूरे का पूरा टॉपिक है वो क्या चीज होती है फीचर इंपॉर्टेंस को हम कैसे देखते हैं पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है देर आर मैनी अदर थिंग्स जो आपको सारी की सारी यहां पर मिलेंगी तो कभी आपका दिल करे पूछने के लिए कि किस जगह पर कौन सी चीज पड़ी है यहां पर पड़ी है सेकेंड है जी ऑफ लो टेंसर फ्लो को हम देखेंगे फॉर न्यूरल नेटवर्क डेवलपमेंट अगर आप गौर करें तो टेंसर फ्लो जो है इसके इंट्रोडक्शन में जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है लर्न और रिसोर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है सो टेंसर फ्लो डीप लर्निंग के स्टार्ट में हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस पर हम काम करेंगे केराउस को भी इस पर करेंगे सो so, जब हम न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एल एस जीरो जिसको हम ग्रू बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स पे जब हम काम करेंगे टेंस ऑफ फ्लो पर यूज़ करेंगे टॉर्च को भी हम यूज़ करेंगे जब हम टेंसर्स पे अच्छे से आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि चैट जीपीटी पी की तरह के एल्गोरिथम ट्रेन करने के लिए एन के और कंप्यूटर विजन के लिए ओपन सी प्लस टेंस ऑफ फ्लो एंड पाईटॉर्च इन तीनों का यूज़ करेंगे सो दीज आर लाइब्रेरीज जिन पर हम काम करने वाले हैं होपफुली आपको समझ आ गई होगी हमने स्टार्ट करना है प्री प्रोसेसिंग से ये पाँच लाइब्रेरीज पांच मैं क्यों बोल रहा हूँ लर्न पहली है टेंसर फ्लो एंड केरास दोनों इकट्ठी आ जाती हैं पाई टॉर्च तीसरी एन के चौथी ओपन सीवी पांचवी ये पांच लाइब्रेरीज अगर आप मास्टर कर लेते हैं ना तो मशीन लर्निंग में आप अपने आप को जमा हुआ या मजा हुआ खिलाड़ी तस्वुर कर सकते हैं अगर आपको ये पांच लाइब्रेरीज पे अगले डेढ़ से दो माह के अंदर पूरी की पूरी एफिशेंसी के साथ नॉलेज को गेन करना है तो कोर्स का हिस्सा बने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है छह माह का कोर्स है आज मशीन लर्निंग का दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी और किस चीज पर करनी लाइक कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे